स्टॉक मार्केट की घंटी बजती है ना रोज, उसी के साथ मेरे नाम का डंका भी बजता है। ये बॉम्बे है बॉम्बे, यहाँ सब बदल जाए पर दरिया वही रहे। तो भाई मैं दलाल स्ट्रीट का दरिया हूँ, जिसमें दम है आके थोड़ा नमक चढ़ा। देख मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है। मैं 100 ऐसे लोगों की सेना बनाना चाहता हूँ जो अपना 100% देने को तैयार। अपन 1001% हिस्ट्री बनाएंगे। आपका जो डिसीजन है, जो सबसे सराहनीय है कि आपने पहले सोचा कि मैं पहले सीखूंगा और सीख के ट्रेड करूंगा, तो इसके लिए सबसे पहले हम वेलकम करेंगे। और आपको वेलकम है माने गया जी ने, ज्ञान और बोझ की धरती गया जी ने, बहुत बहुत अभिनंदन है आप लोगों का। तो चलिए आज का हम लोग ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन हम लोग बाद में कर लेंगे क्योंकि टाइमिंग थोड़ा लेट हो गया है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, और ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले वो दीप ज्वलित करेंगे। अच्छा है, सभी को जाने स्विच ऑफ कर दीजिए। किससे? आपका जो भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है उसके सहारे आप 1 से 5 सीढ़ी तक चढ़ सकते हैं। लेकिन आपको 100% सक्सेस चाहिए इस मार्केट में। अगर 1 से 10 सीढ़ी आपको चढ़ना है तो प्रॉपर आपको मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी बहुत जरूरी है। बिना मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी के आप इस मार्केट में सक्सेस नहीं पा सकते। तो हम लोग तीनों पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा आप लोगों को सीखने के लिए मिलेगा स्ट्रेटजी, और सिर्फ वो स्ट्रेटजी ही बताता है। तो मार्केट में सिर्फ स्ट्रेटजी नहीं चलती है, उसके साथ आपको प्रॉपर मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटजी से आप इस मार्केट में सक्सेस नहीं पा सकते। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, जो हम लोग काम करेंगे, कैसे मार्केट चलता है, मार्केट का बिहेवियर क्या है, मार्केट आखिर कैसे चलती है। किसी भी चीज का कोई ना कोई बिहेवियर होता है, तो सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि मार्केट का बिहेवियर क्या है, कैसे मार्केट चलती है, मार्केट का चलने का तरीका क्या है। तो देखिए, कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस से मार्केट कैसे बिहेव करता है उसको पहले समझेंगे। आप लोग देखेंगे बोर्ड पे, देखिए सबसे फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट ये होती है कि देखिए ये मेरा रेजिस्टेंस की लाइन थी, वो रेजिस्टेंस कोई भी रेजिस्टेंस हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि मेरा ही रेजिस्टेंस है। मैं अपना रेजिस्टेंस बताऊंगा लेकिन वो मार्केट में बिहेव करती है कैसे मैं वो बताता हूं। तो रेजिस्टेंस सपोर्ट कोई भी हो सकता है, सबका अलग अलग सपोर्ट रेजिस्टेंस होती है। हमारा स्ट्रेटजी है तो हमारे पास अलग सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलेगा, कहीं और सीखेंगे तो उसका अलग सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलेगा। लेकिन आखिर कैसे बिहेव करता है सपोर्ट रेजिस्टेंस, कैसे बिहेव करता है उसको समझिए। अगर उसको समझ जाएंगे तो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कैसे काम करना है वो करेंगे। तो कैसे बिहेव करता है, देखिए ये हमारा रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का मतलब ये समझिए कि ये मेरा दीवार और पीछे दीवार, ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट, रेजिस्टेंस सपोर्ट। तो कैसे वर्क करती है उसको देखिए। तीन तरीका इस मार्केट में पॉसिबल है, तीन ही चीजें मार्केट में पॉसिबल है। पहला क्या है, पहला ये होता है ये हमारा रेजिस्टेंस की लाइन है, मार्केट नीचे से रेजिस्टेंस तक आती है और रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे चला जाता है। सबसे पहला चीज मार्केट में यही होती है। आप अगर कहीं भी जाकर देखेंगे चार्ट को रीड कीजिएगा, रीड करके कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा लेंगे, कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा लेंगे, तो पहला जो मार्केट का चलने का तरीका होता है, फर्स्ट जो पॉसिबल है मार्केट में वो ये है कि किसी भी रेजिस्टेंस तक मार्केट जाती है और रेजिस्टेंस से मार्केट रिवर्स हो जाती है, रेजिस्टेंस से मार्केट रिवर्स हो जाती है फर्स्ट टाइम। सेकंड क्या होता है, सेकंड ये होती है कि ये हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस है,
रेजिस्टेंस की लाइन है, मार्केट क्या करेगा इसको ब्रेक कर देगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, 90% लोग लॉस क्यों करते हैं, कारण यही है उसको सपोर्ट रेजिस्टेंस जो मैं अभी बताने वाला हूं वो आपको भी शायद पता हो, लेकिन उसको यूज करने नहीं आता। कैसे यूज करना है वो आपको यूज करने नहीं आता है। देखिए लोग क्या करते हैं, आप लोग भी जानते होंगे कि कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर ब्रेक हो जाता है तो लोग बाई कर लेते हैं। आप लोग को भी यही पता होगा कि कोई भी सपोर्ट अगर रेजिस्टेंस को मार्केट तोड़ दी तो बाई कर लेना है, या सपोर्ट को तोड़ दी तो सेल कर लेना है, यही जानते हैं। लेकिन ऐसा मार्केट में नहीं होता है, 100% वो साइकोलॉजी नहीं निकल के आएगा। अगर आप ब्रेक करने पे सिर्फ बाई करते हैं तो वो भी मार्केट में चलती है लेकिन 50%। लेकिन आप लोगों को मैंने पहले वादा किया है कि हमारा जो स्ट्रेटजी का एक्यूरेसी है वो 100% है, और इसीलिए आप लोग यहाँ पे आए भी, इसीलिए भी आए भी। तो सेकंड क्या पॉसिबल है कि ये रेजिस्टेंस की लाइन को मार्केट ब्रेक कर देती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ब्रेकआउट पे हम लोग एंट्री नहीं करेंगे। क्या करेंगे, ब्रेक करने के बाद जो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस होगी उस प्राइस को मार्केट एक बार रिटेस्ट करने के लिए आएगा। तीन भाषा में इसको बोलते हैं, फर्स्ट बोलते हैं कि इसको रिटेस्ट करने के लिए आएगा, या सेकेंड बोलेंगे कि इस प्राइस को जो मेरा रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक करने के बाद उसको रिस्पेक्ट करने के लिए आएगा। जो मेरा रेजिस्टेंस था उसको एक बार रिस्पेक्ट करने के लिए आएगा, रिस्पेक्ट करके मार्केट ऊपर जाएगा। या फिर तीसरे कंडीशन, तीसरा लाइन बच क्या होता है इस मार्केट का, आप लोग जानते होंगे कि कोई भी रेजिस्टेंस अगर ब्रेक हो जाती है तो वो रेजिस्टेंस बाद में सपोर्ट की काम करती है, वो रेजिस्टेंस सपोर्ट की काम करती है। कोई भी रेजिस्टेंस अगर मार्केट, जैसे ये दीवार है, इसको मैं इसको धक्का देख के इसको तोड़ने के बाद इतना एनर्जी नहीं होता है मार्केट में। देखिए बहुत बार पॉसिबल है कि एक एनर्जी के साथ जाता है दीवार को तोड़ेगा, तो दीवार को तोड़ने में तो एनर्जी लगती है, लेकिन तोड़ के वो आगे ज्यादा दूर नहीं जा सकता। लेकिन लोग गलती यही करते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, बाई कर लेते हैं, वही गलती है, सबसे बड़ी गलती। आपको ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं करनी है। हम जो बताएंगे एंट्री, कभी भी कोई भी एंट्री करेंगे सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे एंट्री करना है। कहने का मतलब यह है कि हम लोग सपोर्ट पे बाई करेंगे और रेजिस्टेंस पे सेल करेंगे। तो अभी देखिए क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, तो यहां पे आपको सपोर्ट मिला क्या, नहीं मिला। तो जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगी तब तक हम बाई नहीं करेंगे। कहने का मतलब यह है कि जो मेरा दीवार था उसको एक बार धक्का देकर तोड़ा, लेकिन आगे ज्यादा दूर तक वो नहीं जा सकता है, उसके पास एनर्जी नहीं है। एनर्जी बनाने के लिए फिर से मार्केट नीचे आएगा और वहां पे दीवार को सपोर्ट लेगा, और सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाएगी, सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। तो सेकंड पॉसिबल क्या है मार्केट में, कि जो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा उसको मार्केट ब्रेक करेगी, और ब्रेक करके इस प्राइस को रिटेस्ट करेगी, या बोल सकते हैं रिस्पेक्ट करेगी, या जो मेरा रेजिस्टेंस था वहां पे सपोर्ट बनाएगी और मार्केट ऊपर चला जाएगा, मार्केट ऊपर चला जाएगा। ये मार्केट में तीसरी चीज है, थर्ड कंडीशन। फॉलो नहीं करेगा तो 10% लोग कैसे पैसा बनाएगा, कैसे बनाएगा, लॉस किसी को ना किसी को होगा, तभी आपका पैसा बनेगा। तो लोग क्या करते हैं, इसको ब्रेकआउट पे ही एंट्री ले लेते हैं, लेकिन हम वैसा नहीं करने हैं। हमें क्या करना है कि इसको रिस्पेक्ट करने के लिए आएगा तब लेंगे एंट्री, लेकिन मार्केट को अगर ऊपर नहीं जानी होगी, मार्केट को अगर ऊपर नहीं जाना होगा तो क्या करेगा कि फिर से इसको नीचे की ओर ब्रेक कर देगा, जो मेरा रेजिस्टेंस था उसको नीचे की ओर ब्रेक कर देगा। ब्रेक करने के बाद क्या करता है कि सिर्फ और सिर्फ इसको ब्रेकआउट पे भी हम लोग सेल की एंट्री नहीं करेंगे, ब्रेकआउट पे भी सेल का एंट्री नहीं करेंगे। क्या करेंगे, फिर ब्रेक करेंगे कि मार्केट इस प्राइस को रिटेस्ट करे, रिस्पेक्ट करे, या जो मेरा रेजिस्टेंस था उस वो सपोर्ट बन गया था, यहाँ पे बाद में रेजिस्टेंस बने, तब मार्केट में हम लोग सेलिंग करते हैं। मीन्स जहां पे भी हम लोग एंट्री करेंगे बिना रिस्पेक्ट के, बिना रिटेस्ट का एंट्री नहीं करेंगे। जब तक रिस्पेक्ट नहीं करेगा, जब तक रिटेस्ट नहीं करेगा, तब तक आपको एंट्री नहीं करनी है, तब तक आपको एंट्री नहीं करनी है। तो समझ गए कैसे मार्केट बिहेव करता है। सिर्फ और सिर्फ तीन ही चीजें पॉसिबल है मार्केट में। पहला क्या है कि जो अगर गेंद को देखिए, गेंद अगर लेंगे तो गेंद को अगर फेंकेंगे तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगा कि दीवार से लौट सकता है मार्केट। अगर कम उसमें एनर्जी होगा तो मार्केट जाएगी तेजी से, गेंद जाएगी तेजी से, लेकिन वहां से मार्केट रिवर्स हो जाएगा, गेंद जो है रिवर्स हो जाएगी। वही अगर जोर से मारेंगे इसको ब्रेक करेगा, लेकिन ब्रेक करने के बाद भी गेंद ऊपर, अगर सीढ़ी पे आप गेंद को थप्पा दीजिए कैसा बिहेव करता है, तो क्या करेगा उसको दीवार को तोड़ेगा, फिर से उसमें सपोर्ट लेगा एक बार, और सपोर्ट लेके मार के फिर ऊपर जाएगी, जो सेकंड कंडीशन था। थर्ड क्या था कि अगर उसको नहीं जाना होगा ऊपर तो फिर से नीचे की ओर ब्रेक कर देगा, मार्केट गेंद जो है वापस आ जाएगी,
दीवार से और फिर से वहां पे एक सपोर्ट लेगी, रेजिस्टेंस लेगी और रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे रिवर्स हो जाएगा, नीचे रिवर्स हो जाएगा। ये मार्केट में तीन चीजें पॉसिबल है। और चलिए अब लोग हम लोग नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट जो हम लोग पार्ट होता है उसे साइकोलॉजी बोलते हैं, उसे साइकोलॉजी बोलते हैं। तो सब लोग नोट करते चलिएगा क्योंकि अगर कोई पॉइंट छूटेगा तो बाद में आपको प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम होगी। तो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, सबसे फर्स्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हम लोग कौन कौन सी सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज करने वाले हैं वो पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सेकेंड जो पॉइंट है ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में वो है ट्रेंडिंग एंड रेंजिंग। हम लोग कैसे मार्केट को फाइंड करेंगे कि मार्केट ट्रेंड है या मार्केट, आप लोग नोट करिए, फोटो ले लीजिए, जितना नोट कीजिएगा लिखिएगा। देखिए सक्सेस जो वर्ड है वो बुक से होकर निकला है। अगर आप सक्सेस जब तक आप लिखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। तो सक्सेस जो वर्ड है वो किताब से होकर के निकला है। फोटो खींचिएगा डिलीट हो जाएगा मोबाइल में, लेकिन जो लिखेंगे जो समझेंगे प्रैक्टिस करेंगे। अभी से हम लोगों के पास 3 दिन पूरा समय है, मैं घर नहीं जाने वाला हूं, यहीं पे आप लोगों के साथ स्टे करूंगा, ठीक है। टाइम जितना लगेगा आपको सिर्फ रात में सोना है, बाकी टाइम ट्रेनिंग करेंगे हम लोग, प्रैक्टिस करेंगे। तो सेकेंड जो पार्ट है वो है ट्रेंडिंग एंड रेंजिंग मार्केट। मीन्स हम लोग कैसे फाइंड करेंगे कि मार्केट ट्रेंड है। तीन तरीके का मार्केट होता है। फर्स्ट क्या होता है कि वो ट्रेंडिंग होती है। ट्रेंडिंग में दो चीज हो सकती है, या तो अप ट्रेंड होगा या डाउन ट्रेंड होगा। ट्रेंडिंग मीन्स मार्केट जो ऊपर जा रहा है जा रहा है जा रहा है। मार्केट कभी भी अगर देखेंगे तो सीधा नहीं जाता है, सीधा नहीं जाता है, तो इस तरीके से उसका स्लोप जो है 40 से 70 डिग्री के बीच में चलती है मार्केट। स्लोप जो होती है 40 से 70 डिग्री के बीच में, अगर अप ट्रेंड मार्केट होगा तो हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग फाइंड करेंगे कि मार्केट ट्रेंडिंग है, उसको पहचानने का क्या तरीका है। तो वो पढ़ेंगे ट्रेंडिंग मार्केट में। उसके बाद दूसरे तरह का जो मार्केट होता है वो क्या होता है कि मार्केट ट्रेंड होता है लेकिन कभी कभी देखते होंगे कि दो बार में मोमेंट नहीं होती है और एक रेंज में चली जाती है, कंसोलिडेशन होना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही कंसोलिडेशन शुरू होता है तो उसको रेंज बोलते हैं। तो रेंज में हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे, रेंज में हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे वो सीखेंगे। देखिए मैं जो हूं पर्सनल अगर बात करूं तो मैं रेंज में ट्रेड नहीं करता हूं, लेकिन मार्केट का जानकारी होना चाहिए, मार्केट कैसे चलती है उसका जानकारी होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। हम मेरा जो सबसे ज्यादा एंट्री होती है वो रिवर्सल एंट्री होती है और ये जो हमारा ट्रेंडिंग मार्केट में एंट्री होती है। तो तीन चीज हम बताने वाले हैं। पहला बताएंगे ट्रेंडिंग मार्केट कैसे फाइंड करेंगे, दूसरा रेंजिंग। देखिए जरूरी नहीं है कि हमें आना चाहिए, हम हर एंट्री को करेंगे नहीं, लेकिन नॉलेज होना चाहिए कैसे रेंज मार्केट बिहेव करता है, नॉलेज होना चाहिए। तो हम लोग देखेंगे कैसे फाइंड करेंगे कि मार्केट रेंजिंग है। थर्ड देखेंगे कि रिवर्सल कैसे होती है, मार्केट कैसे हम लोग पहचानेंगे। लोग तो सपोर्ट पे क्या करता है, रेजिस्टेंस पे मार्केट गया, रिवर्सल कैंडल बना, सेल मार देते हैं, लेकिन वैसा नहीं होता है और गलती भी लोग वही करते हैं। अगर हम पिछले स्टूडेंट की बात करें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं जो कंडीशन लिखाया हूं, जैसे आपको अगर बुखार लगा है तो बुखार में जो जो दवा खाना है वो दवा खानी होगी। अगर बुखार की जगह पे दर्द की दवा खाएंगे तो वो ठीक नहीं होगी। तो हर पॉइंट्स हम जो भी एंट्री बताएंगे, जो एंट्री में जो पॉइंट्स लिखाऊंगा वो पॉइंट्स मैच होनी चाहिए। अगर वो पॉइंट्स मैच होती है तब आपको एंट्री लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। बहुत लोग क्या करते हैं कि हम बता दिया कि रिवर्सल कैंडल बन गया रेजिस्टेंस पे, उसका लो ब्रेक हुआ, सेल हो गया, लेकिन उससे पहले भी देखना है हमें कि मार्केट का क्या बिहेवियर है, मार्केट आगे क्या है, ट्रेंडिंग है या रेंजिंग है या फिर उसका स्लोप देखेंगे कि रिवर्सल। अगर रिवर्सल, तीन चीजें मार्केट में है, ट्रेंडिंग होगा या तो रेंजिंग होगा या फिर रिवर्सल होगा। तो रिवर्सल होगा तब मैं रिवर्सल एंट्री लूंगा, अगर ट्रेंडिंग होगा तो ट्रेंडिंग एंट्री लूंगा, अगर रेंजिंग होगा तो रेंजिंग एंट्री लूंगा। तो यही सबसे बड़ा जो गलती लोग करते हैं, मैं सब चीज बता देता हूं लेकिन रूल्स को मेरा फॉलो नहीं करते हैं और बाद में कभी कभी लॉस उनका हो जाता है। तो कभी भी हर पॉइंट को आपको मैच करना। देखिए लोग क्या करते हैं, आप लोगों का डिसीजन बहुत बढ़िया है कि आपने पहले सोचा कि मैं सीखूंगा और सीख के काम करूंगा, लेकिन लोग क्या करते हैं कि इस मार्केट के बारे में जानते हैं, पहला ट्रेड लगाए, प्रॉफिट हो गया और मार्केट में आए, उनको लगता है कि 2-4 वीडियो देख लिए यूट्यूब पे या किसी से फ्रेंड से नॉलेज ले लिया तो और क्या सोचते हैं, उनको लगता है कि करोड़पति हम बन जाएंगे 2-4 वीडियो देख के उनको लगता है। लेकिन सोचिए कि एक पायलट की कमाई कब शुरू होती है, 10,000 घंटे की प्रैक्टिस के बाद एक डॉक्टर की कमाई कब शुरू होता है, 12 साल पढ़ाई करता है तब 12, उसके बाद 5 साल MBBS करने का,
तो 17 साल पढ़ाई करने के बाद उसको कुछ इनकम शुरू होती है। और अगर आप एवरेज देखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे पूरा इंडिया का, तो अगर देखेंगे 17 साल पढ़ाई करने के बाद 50,000 एवरेज मैंने देखा है कैलकुलेशन करके कि 50,000 से ज्यादा लोग नहीं करते। इवन में कुछ लोग ऐसे हैं जिनका लाखों में वेतन है, लेकिन अगर एक्यूरेसी देखेंगे, एवरेज देखेंगे, तो 50,000 से ज्यादा नहीं। तो सोचिए कि 17 साल पढ़ाई करने के बाद हम 50,000 की नौकरी कर रहे हैं, तो कैसे बिना पढ़े हुए हम इस मार्केट में आएंगे और जो है करोड़ रुपया कमा लेंगे, ये संभव नहीं है। तो आपसे हमें 3 महीना का समय चाहिए, 3 मंथ का समय चाहिए, तो आप आगे मार्केट में सक्सेस होने से कोई नहीं रोके। करना क्या है कि कम से कम यहां से ट्रेनिंग करने के बाद 1 वीक आपको पेपर ट्रेड करना है, मिनिमम 1 वीक, और पेपर ट्रेड के साथ प्रैक्टिस, पूरा चार्ट को रीड करना है, जितना भी एंट्री बताई गई है वो जाकर के 2 महीना 4 महीना पीछे ला करके आप उस एंट्री को ढूंढिए, प्रैक्टिस कीजिए। 4 से 5 घंटा डेली आपको प्रैक्टिस करना है, और साथ में लाइव मार्केट में आपको पेपर ट्रेड करना है, पेपर ट्रेड करनी है। एक सप्ताह के बाद आप ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ट्रेड जैसे मैं बताऊंगा वैसे करना होगा। करना यह है कि आपको शुरुआत का 3 मंथ 10% से ज्यादा प्रॉफिट नहीं करना है, मीन्स आपको एक लिमिट में ट्रेड करनी होगी। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि आप मार्केट में बैठेंगे नहीं, आपको क्या करना है कि आपका 1 लाख का कैपिटल है, तो आपका जैसे ही 10,000 का प्रॉफिट एक दिन में हो जाता है, तो नेक्स्ट ट्रेड आप नहीं कीजिए। नेक्स्ट ट्रेड क्या करना है कि आप पेपर ट्रेड कीजिए, मार्केट को समय देना है, लेकिन रियल में नहीं कीजिए। प्रैक्टिस में क्या लाना है कि अगर मेरा 1 लाख का कैपिटल है तो 10,000 प्रॉफिट हो गया, मैं अपना जो मेरा रियल जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसको बंद कर दूंगा, नेक्स्ट डे ट्रेड करूंगा, और उसके बाद काम करना है आपको, पेपर ट्रेड नहीं छोड़ना है, 3 महीने तक पेपर ट्रेड नहीं छोड़ना है, पेपर ट्रेड पूरे प्रैक्टिस के साथ 3 महीना कम से कम करना है। लेकिन आपको इनकम भी होनी चाहिए, तो इनकम कितना करना है एक लिमिट में, क्योंकि हमारा स्ट्रेटजी के अनुसार अगर आप काम करेंगे तो एक दिन में 20% 30% मीन्स अगर 1 लाख का कैपिटल है तो 20,000 30,000 रुपया आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन आपको 3 महीना नहीं करना है। अगर हमारे रूल्स को अच्छे ढंग से फॉलो कर लिए तभी आप इस मार्केट में सक्सेस पाएंगे, क्योंकि अगर 3 महीना आपका प्रैक्टिस हो जाएगा ना, उसके बाद आपको कोई रोकने वाला नहीं है, आप जैसे चाहोगे सिस्टम खोलोगे, झट से एंट्री लोगे और पैसा बन जाएगा। लेकिन आपको नजर को तेज करनी होगी, आपकी जो नजर है मीन्स चार्ट को देखने आना चाहिए, उसका बिहेवियर कैसे मार्केट चलती है, तो उसके लिए आपको 3 महीना समय देना होगा, 3 मंथ्स हमको देना होगा, ठीक है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड जो पार्ट है ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में वो है एंट्री, कि हम लोग एंट्री कैसे करेंगे। थर्ड जो पार्ट है वो हम लोग कहाँ पे एंट्री करेंगे, कैसे एंट्री करेंगे, एंट्री का क्या प्रोसेस है, तो वो पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एग्जिट। हमारे सिस्टम में टारगेट नाम का कोई चीज नहीं होता, हम लोग टारगेट नहीं लेते। अगर आप पहले काम करते थे और आपका टारगेट लेते थे तो उस चीज को भूल जाना है। हम लोग क्या करते हैं, एग्जिट करते हैं। हम 3 तरीके का एग्जिट बताऊंगा, वो 3 तरीके से कोई भी कंडीशन बनेगी तो आपको मार्केट से एग्जिट कर लेंगे। कभी भी आपको टारगेट बुक नहीं करना है, करने का मतलब ये नहीं है कि आप नेचुरल गैस में 2 रुपये का टारगेट सेट कर दिया और 2 रुपये आप एग्जिट कर लेना है, नहीं, जहां पे आपका एग्जिट बनेगा वहीं पे एग्जिट करना है। लेकिन 3 महीना क्या करना है, 10,000 का प्रॉफिट करना है 1 लाख के कैपिटल, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्टॉप लॉस, कि हम लोग स्टॉप लॉस कहां लगाएंगे, हमारा एसएल क्या होगा, ठीक है। ये हमारा था ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग मनी मैनेजमेंट, और मनी मैनेजमेंट में पढ़ेंगे रिस्क मैनेजमेंट। देखिए लोग सबसे बड़ा गलती क्या करते हैं कि उनको पता ही नहीं रहता है कि हमें कितना रिस्क लेना है। सबसे बड़ा जो लॉस करने का, मार्केट में लॉस करने की जो वजह है वो है मनी मैनेजमेंट। आपको क्या करना होगा, ये प्री प्लान करना होगा, मार्केट में बैठने से पहले प्री प्लानिंग करनी होगी। प्री प्लान ये करना है, आपको लॉस को डिसाइड करना होगा। आप प्री प्लान लॉस को डिसाइड करेंगे कि मैं 1 लाख के कैपिटल पे एक दिन में कितना लॉस कर सकते हैं, एक दिन में कितना लॉस कर सकते हैं, ये आपको प्री प्लानिंग करनी होगी। देखिए लोग क्या करते हैं कि 1 लाख के कैपिटल है और वो एक दिन में 20,000 रुपए का लॉस कर देते हैं, लेकिन मैं आपको क्या बताऊंगा कि अगर आपका 1 लाख का कैपिटल है तो आप अपने हिसाब से जितना आप रिस्क ले सकते हैं, मतलब कि 5% का रिस्क लीजिए। कितना लॉस करना है आपको, प्रॉफिट डिसाइड नहीं करनी, आपको डिसाइड क्या करके बैठना है कि हम एक दिन में 5,000 रुपया का नुकसान कर सकते हैं।
इससे ज्यादा एसएल बनेगा तो मैं उस ट्रेड को इग्नोर करूंगा, उससे ज्यादा अगर लॉस हो गया तो उस दिन सिस्टम को बंद कर दूंगा, नेक्स्ट डे ट्रेड करूंगा। क्या होता है, क्यों करना चाहिए? इसलिए करना चाहिए कि अगर कोई बंदा एक दिन में 20,000 का लॉस करता है और हमारा जो ट्रेडिंग की हुई बंदा है वो एक दिन में 5,000 का लॉस करता है, तो सोचिए कि जो 20,000 लॉस किया है उसको अगले 4 दिन में जो अपॉर्चुनिटी मिलने वाली थी, नेक्स्ट 4 डे में जो अपॉर्चुनिटी मिलने वाली थी वो आज ही इसने खो दी। जो अगले नेक्स्ट 4 दिनों में उसको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली थी वो उसने जो है आज के दिनों में ही उसने खो दी, क्योंकि हो सकता था कि सेकेंड डे जो है उस चार्ट पे अच्छी एंट्री बनती और उस 5,000 के लॉस जहां हमने किया था और कल जो है 20,000 का प्रॉफिट हो जाता। हो सकता है कि थर्ड डे हमारा 20,000 का प्रॉफिट हो जाता और फोर्थ डे भी जो हमारा 20,000 का प्रॉफिट हो जाता। तो मैंने लॉस का डिसीजन किया, 5,000 रुपया किया और अगले 3 दिन में 60,000 का प्रॉफिट हो गया। देखिए, सबसे बड़ा कारण है लोगों की लॉस करते हैं। लॉस करना जिस दिन मार्केट से बंद कर देंगे, लॉस अगर आप करना छोड़ देंगे तभी आपको इस मार्केट में सक्सेस हो जाएगी। मींस हर डे आपका अकाउंट पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव मींस 500 रुपया भी है प्रॉफिट तो उसको भी पॉजिटिव बोलेंगे, लेकिन हर डे आपका अकाउंट पॉजिटिव होना चाहिए, कभी भी आपको लॉस नहीं होना है। तो सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे ट्रेडिंग मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट में ही। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट हमारा है वो है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में जो सबसे पहले पढ़ने वाले हम लोग वो पढ़ेंगे ट्रेडिंग प्लान। ट्रेडिंग प्लान में वही आती है कि हम लोग कितना एक दिन में लॉस कर सकते हैं, वो सारी चीजें वहां पे हम लोग देखेंगे। सेकंड देखिए लोग, सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो है रिव्यू सिस्टम, या उसको बोलते हैं एंट्री जनरल। रिव्यू सिस्टम या बोलते हैं एंट्री जनरल, समझिएगा इसको क्या होता है। देखिए लोग क्या करते हैं कि उनके पास अच्छी स्ट्रेटजी भी होती है, काम भी करते हैं, एक्सपीरियंस भी होता है। आप लोग बहुत सारे ऐसे होंगे जो 2 साल 4 साल 5 साल पहले से काम कर रहे होंगे। कोई है जो 5 साल पहले से काम कर रहे हैं इस मार्केट में? कितने दिनों से काम कर रहे हैं आप? कितने दिनों से हैं मार्केट में? क्या 6 साल हो गए? 6 साल का एक्सपीरियंस मैं बोल सकता हूँ आपको, आपका एक्सपीरियंस 6 साल का बोल सकता हूँ। आप बताइए सबसे बड़ा प्रॉफिट जो किया था आपने वो कौन सी एंट्री की थी और क्या कारण था? किसी दिन आपने सबसे बड़ा प्रॉफिट किया था, आपको पता है कि क्यों किया था आपने सबसे बड़ा प्रॉफिट? क्यों किया था, क्या एंट्री की थी आपने? उसमें वो सेलिंग था। सेलिंग थी तो किस? वो सेलिंग थी, मैंने 5 लॉट उसमें सेल मारा। हाँ, कारण कुछ था? उस माइनस में चला था, रेड कलर में था सारा मार्केट। नहीं, यही तो गलती है। और तो नीचे भी आ गया, प्रॉफिट भी डायरेक्ट आ गया। हो गया तो वो तुक्का में चल गया, वो जो है वो तुक्का हो गया। हाँ, तुक्का नहीं, आपको जो एक्सपीरियंस की बात में कर रहा हूँ। देखिए, अगर आप रिव्यू नहीं करेंगे सिस्टम को या एंट्री नहीं करेंगे जनरल को, कहने का मतलब ये है कि जो भी आप काम करते हैं उसको डेली आपको लिखना है। अगर आप कोई बंदा जो है 6 साल से काम कर रहा है इस मार्केट में और उससे अगर हम पूछेंगे कि सबसे बड़ा प्रॉफिट कब किया था या सबसे बड़ा लॉस कब किया था और लॉस करने की गलती क्या थी आपका, कुछ ना कुछ आपने गलती की होगी तब लॉस किया है, तो वो नहीं बता पाएंगे आप। या क्यों प्रॉफिट किया था नहीं बता पाएंगे। कारण यही है कि प्रॉपर सारी नॉलेज रहने के बाद भी अगर उसका स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है और वो बड़ा लॉस कर रहा है या बड़ा प्रॉफिट कर रहा है तो वो नहीं बता सकता है। क्यों नहीं बता सकता है? कि वो प्रॉपर वो लिख नहीं रहा है, वो जो है नोट नहीं करता है, कहीं पे जनरल नहीं बनाती है। अगर वही चीज हम अपने जो हमारे ट्रेडिंग की हुए लड़का है उसको 3 महीने का एक्सपीरियंस है और उससे मैं पूछूंगा कि सबसे बड़ा प्रॉफिट कब किया था, वो डेट टाइम के साथ बता देगा कि हमने ये एंट्री ली थी, कारण ये था एंट्री करने का, एग्जिट करने का कारण ये था, इतना रुपए का प्रॉफिट हुआ था, इतना रुपए का लॉस हुआ था और ये मेरा था एंट्री करने का कारण, कौन सी एंट्री ली थी, एंट्री का प्रकार। तो देखिए, कोडेक के नाम सुने होंगे आप लोग, अगर पिछले 10 सालों में 10 साल पीछे चलेंगे हम लोग तो कोडेक का क्या था मार्केट में पता होगा, करोड़ों में उसका इंप्लाइड हुआ करती थी। आज उसका क्या स्थिति है, कारण बता सकते हैं क्यों? नोकिया 10 साल पीछे चले जाइए, नोकिया के अलावा और कोई नहीं था मार्केट में। आज क्या स्थिति है नोकिया का, कारण बता सकते हैं क्यों? नहीं, इंप्रूवमेंट नहीं किया आपने, आपने खुद को अपडेट नहीं किया। सोचिए कि एक मोबाइल फोन जिसे 1.5 से 2 महीना में आप उसको
अपडेट करते हैं, तो आप कैसे सोचते हैं कि हम इस मार्केट में आएंगे और हमें अपडेट की जरूरत नहीं पड़ेगी? तो अपडेट कैसे करेंगे? उस जो भी हमने काम किया आज उसको लिखेंगे, कारण क्या था, उसके बाद पूरे कम से कम कोशिश कीजिए कि वन वीक में एक घंटा समय दीजिए रिव्यू करने के लिए कि मैंने क्या क्या एंट्री की थी मार्केट में। एक घंटा संडे को बैठिए और जो भी आपने एंट्री की, एग्जिट की, स्टॉप लॉस लगा, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, कारण क्या था, सब आपने जनरल में एंट्री कर दिया और आपको वीकली आपका रिव्यू करना है। वीकली कोशिश कीजिए, नहीं होता है तो मंथली कोशिश कीजिए। उससे क्या होगा कि आप जो है एक अच्छे अपडेशन आपको मिलते रहेगी। अगर आपने कोई गलती की है उस गलती को आप आगे सुधार करेंगे। देखिए किसी दिन अगर लॉस हुआ है तो आपकी गलती की वजह से हुआ है, तो लॉस हुआ है, गलती किए हैं, तो लोग गलती अगर फिर से कर रहे हैं तो फिर आप, कारण यही है कि आपने कभी रिव्यू नहीं किया अपने सिस्टम को, आपने जनरल नहीं बनाया, कारण वही है। जिस दिन आप जनरल बनाना शुरू कर देंगे, जिस दिन आप अपने सिस्टम को रिव्यू करना शुरू कर देंगे, तो नेक्स्ट जो आज आपने गलती की है, देखिए गलती होगी आपसे, आप भगवान नहीं है, हम लोग इंसान हैं, तो हर इंसान से गलती होती है, तो कभी कभी गलती हो सकती है, लेकिन उस गलती को नेक्स्ट टाइम आपको नहीं करना है। जो आज मैंने गलती कर दी है उस गलती को नेक्स्ट टाइम आपको नहीं करना है, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, रिव्यू सिस्टम करेंगे और एंट्री जनरल करेंगे। देखिए इससे क्या फायदा होने वाला है, हो सकता है कि आप इस 10 साल बाद इस दुनिया में नहीं रहे, तो वो बच्चा जो आपका होगा वो भी उस सिस्टम को पढ़ेगा और पढ़ करके आगे काम कर सकता है, इस स्ट्रेटजी को उपयोग कर सकता है। अब 50 साल बाद आप नहीं रहे, लेकिन 50 साल बाद भी ये स्ट्रेटजी काम करने वाला है, तो आपको इस ये जो कार्य करेंगे, ये जो वर्क करेंगे, वो आपको नेक्स्ट जनरेशन को फायदा पहुंचेगा। अगर आप उसको लिखते हैं, नोट करते हैं, तो नेक्स्ट जनरेशन को वो फायदा होगा और आपको भी फायदा मिलेगी। अगर 4 साल बाद कोई आपसे गलती हो गई है तो वो गलती क्यों हुई थी उसको पिछले 4 साल के डेट पीछे आकर के आप चेक कर सकते हैं कि इस डेट में मैंने ये एंट्री ली थी तो ये गलती हुई थी हमसे, या ये प्रॉफिट किया या ये लॉस किया, ठीक है? तो हम लोग सारे रूल्स को फॉलो करेंगे। अगर आप हमारे अच्छे कमांडो बनना चाहते हैं, हमारे कमांडो लिस्ट में शामिल होना है, तो मैं जो बोलूंगा उसको करना होगा और मैं फालतू चीजें नहीं बोलूंगा। जो मार्केट में देखिए लोग एक शॉप खोलता है, चाहे कोई भी बिजनेस करता है, तो उसके लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, आप भी तो मेहनत करना होगा आपको, आप भी एक सिस्टम से चलिए। आप देखिए कि होटल है, होटल में कितना मेंटेन करता है, वो आप आए तो एंट्री किया, आईडी प्रूफ लिया, तो आप कैसे सोचते हैं कि हम खाली सिस्टम पे एंट्री बाय सेल कर दे, पैसा मेरा बन रहा है और बाकी मेरा कोई काम नहीं है? आप कोई भी काम को बिजनेस समझ के कीजिए, हमारा ये बिजनेस है, बिजनेस के ढंग से करेंगे और एक सिस्टम के साथ चलेंगे, जो भी मैं सिस्टम दूंगा उसके साथ करेंगे। अगर इसको गैम्बलिंग करेंगे तो 90% में आप चलेंगे, कभी भी आपको गैम्बलिंग नहीं करना है, एक सिस्टम के साथ चलना है, और अगर सिस्टम के साथ चलेंगे तो हर डे आपका अकाउंट प्रॉफिट में ही बंद होगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे साइकोलॉजी प्रॉब्लम। जब हम लोग ट्रेड करने के लिए बैठते हैं तो आपको साइकोलॉजी प्रॉब्लम भी होती है, तो क्या क्या आपके साथ साइकोलॉजी प्रॉब्लम होने वाली है वो हम लोग देखेंगे। अभी मार्केट तो आप सेल कर देंगे, लेकिन प्रॉपर नॉलेज ये होनी चाहिए कि किस रेजिस्टेंस पे, मतलब किस प्लेस से मार्केट रिवर्स होगा। वो प्लेस होता है, ऐसे ही थोड़ा मार्केट रिवर्स हो जाएगा, कोई ना कोई प्लेस होता है तभी मार्केट रिवर्स होता है। अब देखिए आप नेचुरल गैस को देखेंगे, हमारा परसों बाइंग था 42 रुपया से, 40 रुपया कुछ 42 ऐसे 40-42 के बीच बाइंग था और वहां से मार्केट सीधे 70 रुपया गया था, लेकिन कोई मार्केट रिवर्स ज्यादा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहां पे कोई प्लेस ही नहीं था, मार्केट ऊपर नहीं बंद हुआ है। रिवर्स अगर होना रहता तो 55 रुपए तक एक सपोर्ट रेजिस्टेंस शायद था, वहां से ओवर सकता था, लेकिन कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस था ही नहीं था, सारा ब्रेक कर दिया है, तो एकदम मार्केट बने हुए रहेगी, जहां आपको एग्जिट बनेगी या मार्केट बंद होगा वहीं आपको एग्जिट करना है। बड़ा प्रॉफिट हम लोग ऐसा ही बुक करते हैं। अब देखे होंगे 50,000 का प्रॉफिट कितना लॉट में था, 3 लॉट में था, कितना इन्वेस्टमेंट था, मार्जिन कहाँ चल रहा है, जैसे अभी के हिसाब से उसका दोना लगेगा मार्जिन, 35,000 का इन्वेस्टमेंट था उस समय, अभी 60,000 का लगेगा एक लॉट में, तो 6 या 18,000 के इन्वेस्टमेंट में 50,000 का प्रॉफिट कम होता है क्या? क्या तो अगस्त में आप देखिए ना, ठीक है, हम वीडियो जो मैं बनाया कौन सा मंथ में बनाया वो देखिए, पूरे मंथ का है ना, मैं अगस्त में जो आप देखेंगे तो 35,000 ही लग रहा था इन्वेस्टमेंट, हाँ सिंगल लॉट में,
मैं वो दिखाया हूँ कि आप जो है अगर हमसे ट्रेनिंग की होते तो कितना पैसा कमाए होते। अगर आपने एनजी पे ट्रेड करके आपने लॉस किया है, अगर आप हमसे सीख के काम किया होता तो कितना प्रॉफिट बना सकते। कोई जरूरी नहीं है कि मैं 182,000 बताया हूँ तो आप 182,000 ही करते, हो सकता है कि आप 1.5 लाख की प्रॉफिट करते। वो अपॉर्चुनिटी थी आपके, आप मैं जो ट्रिक दिया हूँ, मैं जो सिखाया हूँ, तो अपॉर्चुनिटी कितना था, 35,000 के इन्वेस्टमेंट में एक महीने में 182,000 रुपये बना है। लेकिन वो प्रैक्टिस आप पे निर्भर करता है। कोई बंदा एक हो सकता है कि 1 लाख ही प्रॉफिट किया होगा, हो सकता है कि कोई 1.5 लाख ही प्रॉफिट किया होगा, हो सकता है कोई 1,20,000 ही किया होगा। तो वो अपॉर्चुनिटी थी कि आप एक लॉट में 1,80,000 कमा सकते थे। वो आप पे निर्भर करता है कि आपने 1.5 लाख कमाया, 1,20,000 कमाया, वो आप पे निर्भर करता है। आपका इन्वेस्टमेंट 35,000 था, 35,000 के इन्वेस्टमेंट पे आपने 1.5 लाख कमाया, मेरा सिस्टम कमा के दिया कितना, 1,82,000। हमें कभी भी नहीं लाइफ में सोचे थे कि हम ट्रेनिंग में आएंगे, कभी भी नहीं सोचा था कि ट्रेनिंग में आने का। नहीं है 2020, और 2020 इसलिए कि सबसे ज्यादा जो सुसाइड हुआ है वो 2020 में हुआ है, और कारण क्या था, शेयर मार्केट में लॉस की वजह से। सबसे ज्यादा जो लॉस हुआ है लोगों का, जो मार्केट जो क्रैश हुआ था वो 2020 में हुआ था कोविड की वजह से, और बहुत सारे लोग समझ नहीं पाए मार्केट को, और बड़ा से बड़ा लॉस किया, और लॉस करने के बाद सुसाइड हो गए कर लिए, और नहीं तो बैंक फ्रॉड हो गया है। और यही इसीलिए मेरा कोर्स बेचने का कोई मकसद ही नहीं है। ये 31,000 मैं एक दिन में ऐसे ही कमा लेता हूँ, आप जो फी पे किए हैं वो 2-3 31,000 मैं ऐसे कमा लेता हूँ अपने ट्रेड करके। जरूरत ही नहीं था, 3 दिन लगातार मैं पैर पे खड़ा रहूं और आपके साथ इतना मतलब एनर्जी के साथ बोलना, ये कोई आसान काम भी नहीं है। लेकिन मेरा मकसद वो नहीं, मेरा मकसद ये है कि हर इंडिया के हर कोने में मेरा कमांडो होगा, और हर कमांडो का अकाउंट कैसे पॉजिटिव होगा उस पर काम करेंगे, और हर डे उसका अकाउंट पॉजिटिव होने का, मेरा नाम रोशन करे, बस यही मेरा एक नाम हो, यही मैं चाहता हूँ। हाँ, फिर लेकिन 1.5 लाख रुपए ले रहा है, और कुछ क्या कर रहा हूँ समझ सकते हैं, वो क्या बता रहा है आपको पता है, क्या बता रहा है वो पता है आपको, उसको आप पूछ लेंगे कभी, फोन करके पूछिएगा उसको, पता नहीं कैसे मार्केट को फाइंड करते हैं कि ट्रेंडिंग मार्केट है कि क्या है। हमें अच्छा आप बताइए, आप सुनिए मेरी बात, क्या जरूरत है चश्मा लगा के फोटो खींचने, आप पैसा 1.5 लाख रुपया दिए चश्मा लगा के फोटो खींचने के लिए, बताइए। नहीं, वो बोलता है कि हमारे पास एंट्री के लिए चश्मा चाहिए, हमें शेयर मार्केट में काम करने के लिए चश्मा चाहिए, क्या जरूरत है चश्मा का, अरे यार जरूरत ही नहीं है, एंट्री एग्जिट हो गई उसका तो अच्छा, जब डेली पैसा आ रहा है लाइफ भी उसका अच्छा हो जाएगा, पहले से बहुत बेटर हो गया, जो उसका चिड़चिड़ा माइंड होता था, क्योंकि वो देखिए स्ट्रेस में जाने के बाद वही होता है, जब आपका मेंटल ट्रेडिंग कैपिटल लॉस होगा तो आप स्ट्रेस में जाएंगे, तो स्ट्रेस में जाएंगे तो आपको क्या होगा, डिसीजन जो होगी रॉन्ग होगी, और चिड़चिड़ा हो जाएंगे आपका जो है हर डे जो है वही होगा। और मैंने यूट्यूब पर प्रेम जी की बहुत ज़्यादा वीडियो देखी है, मैं उनसे प्रभावित होकर और यहाँ पे मैं ट्रेनिंग करके सीख के कमाना चाहता हूँ, और मेरा बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है, और मैं बहुत नेगेटिव माइंड हो गया था, और अब यहाँ से कुछ मैंने आज सीखा, पहला दिन है मेरा, और आशा है मैं आगे सीख के मैं पैसा खूब कमाऊँगा और मेरी ज़िंदगी को मैं सही रास्ते पर लाऊँगा। धन्यवाद। 24 लाख रुपये का लॉस हो चुका है, चलिए कोशिश करेंगे। हाँ, इसको रिकवर करें। नहीं, मेरे को आशा है सर, मेरे को मैं कवर कर लूँगा। धन्यवाद। नमस्कार सर, मैं मनोज लखनऊ से, सर का वीडियो हमेशा देखता रहता था, थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहता था, काफ़ी लोग वीडियो बनाते रहते हैं यूट्यूब पे, तो किसी की फीस ज़्यादा है, किसी का स्ट्रेस समझ नहीं आता है। प्रेम सर को लगा कि मतलब दिल से जुड़े इंसान हैं और ज़मीन से जुड़े इंसान हैं, तो हमको लगा, और इनकी एक बात हमेशा मेरे माइंड में कर गई कि पहले लर्निंग करिए, अगर लर्निंग अच्छी रहेगी तो अर्निंग अपने आप हो जाएगी, बस यही चाह रहा हूँ कि मैं सीखे हुए मार्केट में कुछ खरीद, बिल्कुल सर, नहीं काम तो मैं 1.5-2 साल से कर रहा हूँ, लॉस प्रॉफिट होता रहता है, कि मैं चाह रहा हूँ कि रेगुलरली प्रॉफिट में रहूँ और पहले ठीक से लर्निंग करूँ, उसके बाद अपना अपना मार्केट का बिहेवियर कैसे चले, बिल्कुल बिल्कुल सर, तो आपका प्रॉफिट होगा और हर डे, और ये देखिए जादू की छड़ी मैं नहीं देने वाला हूँ जी, आपको प्रैक्टिस करना, बिल्कुल प्रैक्टिस करूँगा सर, प्रैक्टिस करेंगे सक्सेस, बिल्कुल करूँगा सर, थैंक यू सर।
हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मेरा नाम रंजन कुमार है, हम गया से हैं और मैं कुछ दिन से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, कुछ दिन से ही, और इसमें बस लॉसिंग किया हूँ अभी तक जो ट्रेडिंग किया हूँ। बाकी मैं इन्वेस्टिंग ही करता था पहले 2 महीने से, तो उसमें प्रॉफिट होती थी, लेकिन कुछ दिन से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ उसमें सिर्फ लॉस हुआ है। और सर के बारे में, लॉस होने का कारण ये है कि आपको मार्केट को पता नहीं कि मार्केट कैसे चलती है। जी, जो आपके जो सर के बारे में हमें बताया, जो हमारे एक रिलेटिव में है रवि जी, उन्होंने बताया था कि वो ट्रेनिंग देते हैं जी, तो यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आए हैं, तो कुछ अच्छा सीख के जाएंगे और अच्छा मार्केट में डेवलप करेंगे। ये तो पुराने लोग हैं, बताइए आप। जी, मैं अजीत कुमार गया से, गया डिस्ट्रिक्ट से हूँ, और जैसा कि रिलेटिव हमारे हैं संजीव कुमार, इनके थ्रू मैं यहाँ पे आया हूँ, और मैं नया स्टार्टिंग बंदा हूँ और सिर्फ तो पहले आपने काम नहीं किया। जी नहीं, ये बहुत अच्छा डिसीजन है कि आप पहले कोशिश कर रहे हैं कि हम पहले सीखेंगे और सीख के काम करेंगे, क्योंकि कहीं भी कोई भी काम को करने से पहले प्रॉपर नॉलेज अगर होती है तभी आप इस मार्केट में सक्सेस पा सकते हैं, ऐसे नहीं पा सकते। तो बहुत अच्छा डिसीजन है कि आप पहले सीखना चाहें तब जाके ट्रेड करेंगे। तो मैंने सर ये डिसीजन लिया है कि पहले मैं सीखूंगा उसके बाद ही इसमें हाथ लगाऊंगा। चलिए, अच्छा है और बहुत सराहनीय आपका डिसीजन है कि आपने पहले सोचा कि मैं पहले सीखूंगा और सीख के ट्रेड। जी धन्यवाद। इंजीनियरिंग, अच्छा है। मुझे सुनने वालों को सभी को नमस्कार मेरे तरफ से। मेरा नाम राजीव कुमार शाह है और मैं पटना से आया हूँ, आरा डिस्ट्रिक्ट से। और मैं सर को तो पिछले तीन महीने से ज़्यादा से जानता हूँ, लेकिन मेरे पास इनका ट्रेनिंग का जो फ़ी है नॉर्मल सा फ़ी है, लेकिन वो भी मेरे से अरेंज नहीं हो पा रहा था। हाँ, उसके बाद मैं इस सेमिनार को अटेंड करने आया हूँ, और मैं तो देखा बहुत सारे लोग का वीडियो, और मुझे तो इस बात की मतलब कि समझ में अभी तक नहीं आता है कि लोग बहुत सारे लाखों में लॉस कर जाते हैं, कितने कितना लाख है रुपया लोग लॉस कर जाते हैं, और वो सीखना क्यों नहीं चाहते हैं, वो अपने आप को रिकवर करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा लॉस कर जाते हैं। लेकिन मैंने देखा कि नहीं, इस मार्केट में काम करना है तो सबसे पहले सीखना होगा, और इसलिए मैं पहले सीखने के लिए सर के पास आया हूँ। जी सर, मैं अपने रिलेटिव से मतलब जो चीज़ सीखा, वो पहले स्टॉक में काम करते थे, तो उसके बाद मैं तुक्का लगा के कुछ दिन तक काम किया था और डेली के 4,000-5,000 तक प्रॉफिट किया था। लेकिन मुझे याद है 14 अप्रैल को इवनिंग सेशन स्टार्ट हुआ था, मॉर्निंग सेशन बंद था कमोडिटी मार्केट का, और हाँ नहीं नहीं उस दिन कोई फेस्टिवल था, और उस दिन मैं अपने घर पर था, और उसके पहले मैं 7-8 दिन में लगभग 30,000 प्रॉफिट भी किया था, और उस दिन वही गैप अप मार्केट ओपन हुआ, और जो मैं समझ रहा था कि उस पर मैं सेल कर दिया था कि गैप अप हो रहा है तो इसको रिकवर करेगा मार्केट, और अचानक उसके बाद वो ऊपर रैली बना दिया था, और अब लग रहा था कि माइनस में जा रहा है, अब नीचे आएगा, और उसके जस्ट एक दिन पहले मैं कैपिटल को थोड़ा सा और मतलब कि डिपॉजिट किया था डबल आउट में क्रूड काम करने के लिए। वही प्रॉपर देखिए, आप मनी मैनेजमेंट को फॉलो कीजिए, साइकोलॉजी को जी। लेकिन अच्छा हुआ था कि उस दिन मार्जिन थोड़ा बढ़ गया था, और क्योंकि वो बहुत जल्दी उसका इन्वेंट्री आने वाला था, इन्वेंट्री के लिए मार्जिन बढ़ गया, तो इसलिए मैं एक ही लॉट में काम किया था और उसको सोच रहा था कि अब मार्केट वापस आएगा, नीचे आएगा तो हम एग्जिट कर जाएंगे, लेकिन वो ऊपर जाकर 16,000 को रेंज मार्केट बन गया, और मेरा उस दिन का 16,000 लॉस था। और उसके बाद में जब भी ट्रेड लेता था तो डर होता था, क्योंकि तुका पे प्रॉफिट हुआ था, और एक दिन बड़ा लॉस होने के बाद डर हो जाता है, और छोटा छोटा प्रॉफिट में कभी कभी निकल जाते थे और भरा वाला लॉस हो जाता था, उसके बाद में छोड़ दिया। अब जो है आपका डिसीजन सही है कि आपने सोचा कि मैं सीखूंगा तब जाके काम स्टार्ट। जी, तो आगे जो है आपका लाइन बहुत अच्छा होने वाला है। जी सर, थैंक यू। बोलिए।
हाँ बोलिए, क्या कोई इशू है क्या? बताइए कुछ भी, आप अपने पर्चे दीजिए, कुछ नहीं बोलना है, पर्चे दीजिए। मेरा नाम सोनी बालकृष्ण है, मैं अहमदाबाद से हूँ। मैं एक दो महीने से ट्रेड कर रहा था और लॉस पे लॉस हो रहा था। फिर एक दिन मैंने मनीष भारद्वाज का वीडियो देखा, उसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने को बोला, तो एमसीए लाइव रिसर्च किया, उसमें आपका भी आया, तो आपका भी देख रहा था। उसका तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था क्या करा रहा क्या नहीं करा रहा, तो आपने देखा था, आप बता रहे कि चार्ट से यहाँ से एंट्री हुई, यहाँ से वी हुआ बाय सेल, तो मुझे लगा तब से मैं एक दो महीने से आपका वीडियो देख रहा था। फिर मैंने आपसे बात की, तो आपने बोला ट्रेड बंद कर दो, सीखने के बाद ट्रेड चालू करो। आज 15-20 दिन से मैंने बंद करके मैंने सोचा कि सीखने के बाद ही ट्रेड करूँगा आप पे, तभी सीखने के बाद ही ट्रेड चालू करूँगा। अब तक मेरा अहमद है, मैं बेसिकली गुलबर्गा से हूँ, कर्नाटका, लेकिन जॉब बेंगलोर में करता हूँ। तो अभी फिलहाल रिसेंटली जॉब नहीं है, अभी यही ट्रेडिंग में करना बोल के, सीख के स्टार्ट करना बोल के मैं आपसे वीडियो देख रहा हूँ। नहीं नहीं, अभी एक दो महीने से ऐसे वीडियोस देख रहा था, थोड़े बुक्स पढ़ रहा था जी। अब वीडियो देखा, एक बार बात करा आपसे, बात करके अब रिसेंटली। चलिए, डिसीजन आपका सही है, आपने बिना लॉस के आए हैं काम करने के लिए, सोचे तो सबसे पहले बहुत अच्छा है कि आपने लॉस नहीं किया और सीख के काम करना चाह रहे, बहुत अच्छा। नमस्कार, मेरा नाम गणेश कुमार है, मैं गया का रहने वाला हूँ। मैं आज तक कभी ट्रेडिंग किया नहीं, सर को मैं देख रहा था बहुत दिन से, जान पहचान भी था, तो सर से बहुत लोगों से मैंने पूछा भी कि ट्रेडिंग क्या होता है, तो बहुत लोग बोलते थे कि आइए ऑफिस में बैठिए हम सिखा देंगे, तो उन पे हमको भरोसा नहीं होता था। तो सर से ऐसे ही सर का वीडियो देखा, तो सर से एक मरते बोले, तो ये बोले कि आइए हम ट्रेनिंग बता देंगे, उसके बाद आपको जो डिसीजन लगेगा वो करिए। तो हमने देखा, हमको अच्छा लगा, और बाकी ट्रेनिंग में समझ में आ रही है जो चीज़ें बता रहे हैं? जी हाँ, समझ में तो आ रही है। तो आपका भी डिसीजन सही है कि आपने सबसे पहले सोचा कि मैं सीखूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे लॉस करके आए हैं, जो 24 लाख रुपया लॉस करके और आए हैं, वो समझ सकते हैं। नहीं तो इसीलिए तो पहले हमने सोचा कि पहले सीख लो, उसके बाद ही। कभी भी आप किसी के बारे में, अगर पायलट बनना होता है तो 10,000 घंटे का प्रैक्टिस करता है, तब जाकर उसका प्रॉफिट जो है, एक इनकम जो है शुरू होती है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सीखेंगे और सीख करके प्रैक्टिस करेंगे, पेपर ट्रेड करेंगे, तब जाकर रियल मार्केट में अभी नहीं करेंगे। रियल मार्केट में जब आपका पेपर ट्रेड में प्रॉफिट बनना शुरू हो जाएगा, जो जो गलतियां करेंगे उसको आगे चलते सुधार करेंगे, और जब आपको लगे कि हर डे मेरा प्रॉफिट बन रहा है, तभी आपको काम करना है रियल मार्केट में, ऐसे नहीं करना, पहले नहीं करना। तो आप हमें डेली उसका रिपोर्ट देंगे कि आज पेपर ट्रेड किया, ये रिजल्ट है या ये गलती हमसे हुई, अगर पेपर ट्रेड में लॉस हुआ तो क्यों हुआ, वो गलती मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि नया है आपको, मार्केट को समझने में कुछ दिन टाइम लगेगा। जी सर, टाइम लगेगी तो प्रैक्टिस। चलिए, थैंक यू। मैं सुजीत कुमार फ्रॉम टिकारी, गया डिस्ट्रिक्ट। मैं इस बिजनेस को काफ़ी दिन से करना चाह रहा था, लेकिन कोई अच्छा गाइडलाइनर नहीं मिल रहे थे, और प्रेम सर के रूप में मिले हैं, जो बड़े गर्व की बात है, बहुत अच्छा इनका ट्रेनिंग रहा। थैंक यू सर। थैंक यू।